जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। वही हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि व्यक्ति को कम से कम दो बार अपने जीवन में बद्री नारायण मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो मित्रों, आखिर क्या है बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और क्यों है ये इतना खास, यही जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बद्रीनाथ, जिसे आठवां बैकुंठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ पर्वत के पास भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और पार्वती का निवास था, जिसे एक युक्ति के जरिए श्रीहरि ने भोलेनाथ से मांग लिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे। वो पहाड़ों में ही विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि अलकनंदा नदी के समीप इस स्थान पर पड़ी। भगवान विष्णु जानते थे कि बद्रीनाथ भोलेनाथ और माता पार्वती का निवास स्थान है। ऐसे में उन्होंने एक युक्ति सोची। जब भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए बाहर आए तो उन्होंने अपने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। शिशु को रोते देख माता पार्वती की ममता जाग गई और उन्होंने शिशु को चुप कराने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर क्या था, देवी पार्वती शिशु को अपने साथ निवास स्थान के अंदर लेकर चली गई और उसे दूध पिलाने लगी। शिशु कुछ ही देर में सो गया, जिसके बाद माँ पार्वती शिशु को वहीं सुलाकर भगवान शिव के नजदीक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। स्नान के बाद जब दोनों लौटे तो उन्होंने देखा कि निवास स्थान का दरवाजा अंदर से बंद था। तब माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि अब हम क्या करें। इस पर शिव जी ने कहा कि ये तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं बलपूर्वक ये दरवाजा खोलूंगा। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती वो स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए। मित्रों, आपको बता दूं कि ये बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने इस स्थान को पाने के लिए ये तरकीब लगाई थी और इस तरह बद्रीनाथ को भगवान विष्णु ने अपना विश्राम स्थान बना लिया। तो चलिए मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि भगवान विष्णु के इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। तो मित्रों, ये कथा तब की है जब भगवान विष्णु इस स्थान पर विराजमान हो गए थे और वो एक बार ध्यान योग में लीन थे, तभी वहाँ बहुत हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका निवास स्थान बर्फ से पूरी तरह से ढक गया। ये देख माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी और तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप होकर बेर के वृक्ष का रूप ले लिया, ताकि भगवान विष्णु के ऊपर पड़ रही बर्फ उनके ऊपर गिर सके। सालों तक भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहे और जब उनकी तपस्या पूरी हुई तब उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी बेर का पेड़ बनकर उनके समीप ही खड़ी है और पूरा पेड़ बर्फ से ढका हुआ है। ये देख भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर तुम्हें भी मेरे साथ पूजा जाएगा। और चूंकि तुमने मेरी रक्षा बेर अर्थात बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से पूजा जाएगा। मित्रों, अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम की दो पर्वत श्रेणियों के बीच ये बद्रीनाथ धाम स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में तीन संरचनाएं हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। वहीं बद्रीनाथ मंदिर का मुख पत्थरों से बना हुआ है। इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों की मदद से आप मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। इस द्वार के शीर्ष पर तीन स्वर्ण कलश लगे हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप दिखता है। एक बड़ा स्तंभों से भरा कमरा है, जो गर्भगृह या फिर मुख्य मंदिर की ओर जाता है। इस कमरे की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। यहाँ पर ये भी बता दें कि इस मंडप में बैठकर ही श्रद्धालु विशेष पूजाएं और आरती आदि करते हैं। इसी सभा मंडप में मंदिर के धर्माधिकारी नायब रावल
और वेद पाठी वेदवारों के बैठने का भी स्थान है। वही गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है। इसके अलावा गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित काले रंग की मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। और मित्रों, बद्री नारायण की इस मूर्ति को हिंदुओं द्वारा भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इस मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं। वही मूर्ति के ललाट पर एक हीरा भी जड़ा हुआ है, जो मूर्ति में 4 चांद लगाता है। मान्यता है कि सतयुग तक बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान ने दर्शन दिए थे, और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण हरि रूप में अवतरित हुए, तो उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन ही होंगे। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, और इसका गवाह वो स्थान है जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। बता दें कि ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है, जहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पुराणों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि बद्रीनाथ में 6 महीने मनुष्य पूजा करेंगे और 6 महीने देवता, और यही कारण है कि सर्दियों में रावल जी की जगह स्वयं नारद जी इस धाम के मुख्य पुजारी बन जाते हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य हो कि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को कपाट बंद होने के दिन स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। पुरुष होने के बावजूद वो न सिर्फ स्त्री की तरह कपड़े पहनते हैं, बल्कि एक महिला की तरह श्रृंगार भी करते हैं। यही नहीं, जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खोला जाता है, तो दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है जैसे बंद करने से पहले जलाया गया था। भक्तों का मानना है कि भले ही सर्दियों में कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इन्हें 6 महीनों में देवता न सिर्फ मंदिर की रखवाली करते हैं, बल्कि पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। मित्रों, विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नलियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको बद्रीनाथ धाम पर आधारित हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें, और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।